इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वह 5 साल बाद दिखाए। बगदादी ने श्रीलंका में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली है। इस वीडियो में बगदादी ने कहा है कि श्रीलंका में हमले सीरिया में ISIS के ठिकाने की तबाही के बदले में किए गए हैं। जारी हुए इस वीडियो में बगदादी के साथ 3 लोग और दिखाई दे रहे हैं, जिनको बगदादी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि सीरिया के बागसू की लड़ाई खत्म हो गई है। वीडियो में इन तीनों व्यक्तियों के चेहरे धुंधले किए गए हैं। बगदादी और IS का सीरिया में पिछले कई सालों से कब्जा था, जिन पर हमला करके फरवरी में अमेरिका ने IS को खत्म करने का दावा किया था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है, लेकिन बगदादी ने पूर्वी सीरिया में IS के अंतिम गढ़ बागसू के लिए महीनों चली लड़ाई का जिक्र किया है। यह लड़ाई पिछले महीने ही खत्म हुई है। बता दें कि इससे पहले बगदादी का 5 साल पहले वीडियो आया था, जिसके बाद से कई बार बगदादी के मारे जाने की खबर सामने आई थी। गौरतलब है कि बगदादी को सार्वजनिक तौर पर पहली और आखिरी बार मोसुल में 2014 में देखा गया था। तब से कई बार उसके मारे जाने की खबर आती रही है, पर कोई वीडियो सामने नहीं आया था। पिछले साल ही अगस्त में उसके समर्थकों ने आखिरी ऑडियो संदेश जारी किया था। ताज़ा वीडियो ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DHBC न्यूज़।